नमस्ते, मेरा नाम अथांग जैन है और मैं जैन फार्म फ्रेश इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। जैन फार्म फ्रेश ये जैन इरिगेशन कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। जैन इरिगेशन आपको शायद मालूम होगा कि ये कंपनी किसानों के साथ काम करती है, उनको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे ये पाइप्स इधर दिख रहे हैं और माइक्रो इरिगेशन दिख रहा है उनके, ये उनको इसलिए देती है ताकि उनका उत्पन्न बढ़े और वो कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा उत्पन्न बना सके। तो जैन फार्मफ्रेश का बिगिनिंग ऐसे हुआ था कि मेरे दादाजी ने जब ये कंपनी शुरू की थी, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और पाइप ये सब फार्मर्स को प्रोवाइड किया और फार्मर्स ने उससे काफ़ी सारा उनका डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी सारे उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए और इसके वजह से उनको मार्केट में बराबर प्राइस नहीं मिल रही थी। तो मेरे दादाजी ने सोचा क्यों ना हम ये सब प्रोडक्ट्स फार्मर्स से वापस लें और उनको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें ताकि फार्मर्स को और भी बेहतर प्राइस मिल सकती है। तो इस चीज़ के बाद जैन फार्मफ्रेश इस डिवीजन का फॉर्मेशन हुआ था 1995 में और इसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उसमें लॉन्च किए, जिसमें मेनली हम क्या करते थे कि जैसे आम ये प्रोडक्ट है तो आम का हम पल्प बना के कोको कोला जैसी कंपनी को बेचते हैं और वो आगे जाके माजा जैसा प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो ऐसे करते करते हमने बनाना का पल्प, गुआवा का पल्प, पपाया, स्ट्रॉबेरी, ऐसे अनेक हमने फ्रूट्स प्रोसेस किए और यही नहीं हमने वेजिटेबल डिहाइड्रेशन भी शुरू किया, जिसमें हम अनियन का पाउडर बनाते हैं जो इस्तेमाल होता है, समझो मैगी के मसाला पैकेट में अनियन पाउडर जाता है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और यही नहीं, अभी जस्ट रिसेंटली हमने मसाले की फैक्ट्री भी शुरू की है जिसमें हम काफ़ी तरह के मसाले जैसे चिली है, हल्दी है, धनिया है, ये सब हम प्रोसेस करके मार्केट में बेचने वाले हैं। और जब मैंने 4 साल पहले कंपनी को ज्वाइन किया तब हमने सोचा क्यों ना हम कुछ नया करें, जैसे हम पहले B2B जैसे बिजनेस टू बिजनेस बड़े कंपनियों को सप्लाई करते थे, हमने सोचा कि अच्छा क्वालिटी का जो हम माल बनाते हैं वो कंज्यूमर मतलब आखिरी जो खरीदता है दुकान में उसके तरफ क्यों नहीं हम पहुँचा सकते हैं। तो उस तरीके से हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे ये डिहाइड्रेटेड अनियन है जिससे हम अनियन पाउडर बनाते हैं, तो आपको अनियन काटना नहीं पड़ता है, आपको अनियन छीलना नहीं पड़ता है, वेस्टेज भी कम होता है। और उस हिसाब से हमने बच्चों के लिए ये दूसरा प्रोडक्ट भी बनाया है जिससे जिसके अंदर 100% फ्रूट है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है और जो तुम एक बार में खा सकते हो। तो ऐसे हम नए नए प्रोडक्ट्स सबके लिए बना रहे और मुझे ये लगता है कि आप तो इस कंट्री के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। एग्रीकल्चर जो स्पेस है, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो स्पेस है, कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और अगर आप इस एग्रीकल्चर इस क्षेत्र में लोग दूर जाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं गांव में क्यों रहूं, मुझे सिटी में जाना है, मुझे बड़े शहर में रहना है, मुझे कोई जॉब करनी है, लेकिन आप अगर सोचोगे कि एग्रीकल्चर इस क्षेत्र में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर काम करें तो बहुत कुछ इसमें हो सकता है और ये सब अभी आपके हाथों में है। जैसे मैंने भी मेरा एजुकेशन मुंबई में किया, फिर मैं लंदन में जाके पढ़ा, लेकिन आखिर में मैंने फिर यहाँ पे आके मैंने सोचा कि क्यों सब काम करके मैंने कुछ कंट्री के लिए करना चाहिए। और हमारी जो कंपनी है जैन इरिगेशन, ये फार्मर्स और एग्रीकल्चर के अराउंड में केंद्रित है और इनका हमेशा हमारा फोकस ये रहा है कि फार्मर की बेहतरता ही नेशन हमारे भारत के लिए अच्छी होगी। और इसके लिए मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि आपने भी ऐसा सोचना चाहिए, कल आएगा एक दिन जब आप सोचोगे कि मेरे फ्यूचर में मैंने क्या करना चाहिए, तो आपने ध्यान रखो कि एग्रीकल्चर में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करो, फूड प्रोसेसिंग में जाओ या हाईटेक फार्मिंग में जाओ या टिश्यू कल्चर फार्मिंग में जाओ या ग्रीन हाउस करो, ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, आप डेयरी फार्मिंग करो, आप एनिमल हस्बेंड्री करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ शहर में जाना है, आप सोचो कि मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हाथ है, अपने कंट्री के अंदर 12 करोड़ फार्मर है और इन सबको आज खाने को नहीं है, काफ़ी सारे लोग सुसाइड भी करते हैं, लेकिन इनको अगर हम अच्छी तरीके से मदद करें
तो उनकी बहुत उनका बहुत भला हो सकता है। और इसी के साथ हमारी कंपनी हमेशा चलती आ रही है। और अगर आप जैसे युवा लोगों को कभी कभी भी मदद पड़े हमारे कंपनी की, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको मदद करेंगे कि आप आपका एग्रीकल्चर और फार्मिंग बिजनेस कैसे बेटर कर सकते हैं।